श्री कृष्ण जी का यह उपदेश आप सभी मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। चलिए बताते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न तो पैदा होती है न ही मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की भी चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यह प्रशंसा ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम रुद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर को हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पित करते चल, इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है, जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है, उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेगा। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर साल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। मुझे डर नहीं किसी और से, माधव खड़े हैं मेरी ओर से। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे खुद लड़ना है और खुद ही संभलना होगा। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतित करे, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए, तो दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का भी तरीका बदल जाता है। सत्य कहो, अस्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ, तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो ना हो, पर ईश्वर आपके साथ और हमेशा रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन रह कर मेरे पर विश्वास रख कर सब सुन रहा है, तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब मैं स्वयं देता हूँ। यह गीता का उपदेश आप सब लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।